सीएस पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास और नागरिक शास्त्र की। ये पाठ्यपुस्तक आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र। तो बच्चों, आज का विषय है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जिसमें आज का पाठ है हमारा सामाजिक जीवन। हमारा सामाजिक जीवन यानी आवर लाइफ इन सोसाइटी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र कक्षा छठी में हमारा सामाजिक जीवन यानी आवर लाइफ इन सोसाइटी। तो बच्चों, मैं सीएस पटेल वीटीसी टीचर। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? एक प्रश्न होता है सामने उपस्थित कि मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसके साथ ही मनुष्य में समाजशीलता, समाज सेवा यानी समाज से क्या तात्पर्य है, ये भी एक प्रश्न उठता है, तथा हमारा विकास, इससे संबंधित तमाम प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। समाज की बात करेंगे, समाज से तात्पर्य क्या है, विकास से संबंधित तमाम बातें यहाँ पर इस पाठ में हम देखेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोध है हो रहा है, इस समाज का बोध हो रहा है यानी आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमारा वर्तमान सामाजिक जीवन हजारों वर्षों के विकास यानी उत्क्रांति का ही परिणाम है। मनुष्य ने घुमक्कड़ी अवस्था से स्थिर सामाजिक जीवन की ओर प्रगति की है। बच्चों, स्क्रीन पर आप तीन चित्र देख पा रहे हैं। एक जो सबसे बाईं ओर का चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य, जब अगर हम बात करें स्टोन एज की बात करें, जब मनुष्य विकास कर रहा था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ उसे सीखना जानना जरूरी था और वो प्रकृति के सानिध्य में रहकर तमाम चीज़ों को सीख रहा था, समझ रहा था, जान रहा था। लेकिन बच्चों, समय के साथ धीरे धीरे उसने खेती करना शुरू किया और समय के साथ उसने जानवरों को जब पालतू बना लिया, तो जानवरों का वो किस तरह से खेती में किया, इसके साथ ही धीरे धीरे उसका निवास किस तरह से स्थायी होने लगा, वह एक जगह रहने लगा, खेती करने लगा, तो उसे यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं थी। समय बीतता गया और विकास के क्रम की बात करें बच्चों, जो तीसरा चित्र आप देख पा रहे हैं, किस तरह से चाहे कंप्यूटर की बात करें या कार की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें यानी आधुनिक युग की बात करें, तो ये जो परिवर्तन है विकास की, अगर क्रम की बात करें, एक जो परिवर्तन है वो तेज़ी से जो है कि बदलता जा रहा है। आगामी 50 वर्षों के बाद समाज कैसा होगा, इस विषय पर विचार विमर्श करना है। यानी अगर हम आज 2020 की बात करें, तो 2020 अर्थात 50 वर्षों के बाद सन 2070 में हमारा समाज किस तरह का होगा, इस पे बात विचार करना है। चलिए, तो आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? Why did man feel the need for society? तो बच्चों, हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए स्थायी व सुरक्षित सामूहिक जीवन आवश्यक है। यानी मनुष्य को अगर विकास करना है तो स्वाभाविक है उसे समाज में रहना है, और समाज के यानी विकास के लिए स्थायी और सुरक्षित सामूहिक जीवन आवश्यक है, यानी मिलजुल करके रहना। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से मिलजुल कर रहना जरूरी है, जो कि सुरक्षित सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक है।
हमने कहा कि मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई, यानी व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य घुमक्कड़ी अवस्था में किस तरह से स्थायी व सुरक्षित नहीं था। बच्चों, अगर प्राचीन काल की बात करें, जिस अगर हम स्टोन एज की बात करें, तो उस समय जिस समय मानव घुमक्कड़ी अर्थात यहाँ वहाँ घुमा करता था, तो उसे तमाम प्रकार के खतरों से सामना भी करना पड़ता था। अपने जीवन को किस तरह से बचाना है तथा किस तरह से अपने पेट का पालन किस तरह से करना है, यानी बच्चों उसे भोजन की तलाश के लिए दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन समय बीतता गया और इसी समय के क्रम में समाज में प्रतिदिन के व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता पड़ी। समय बीतता गया धीरे धीरे और अब जो जो मनुष्य प्रकृति से सीखता रहा, विकास करता रहा, धीरे धीरे उसने नियमों को अपनाना शुरू किया और इस कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन और अधिक संगठित हुआ और अधिक स्थायित्व उसमें आया। मनुष्य में समाजशीलता की बात करें, द सोशल नेचर ऑफ मैन, तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि मनुष्य स्वभावतः समाज प्रिय है। हम सभी को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। बच्चों, इस तरह से मिलजुल करके काम करना, अगर चाहे ग्रामीण प्रवेश की बात करें या शहरी क्षेत्रों की बात करें, आपको इस तरह के जो समाज प्रिय से संबंधित जो मनुष्य का स्वभाव है, इस तरह से तमाम जो पारस्परिक सहयोग से काम होते हैं वो आप देख सकते हैं। गांव में भी खेती के तमाम कामों में किस तरह से अगर सहभागिता की बात करें, यानी पारस्परिक सहयोग की बात करें, तो पारस्परिक सहयोग देखा जा सकता है। बच्चों, भोजन, वस्त्र, निवास आदि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, परंतु मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमारी कुछ भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे स्वयं को सुरक्षित महसूस मतलब करना, यानी अनुभव करना। यह हमारी भावनात्मक आवश्यकता है। यानी बच्चों, अगर हम बात करें कि मनुष्य के लिए यानी रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा जो मनुष्य की भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति भी होना जरूरी है। यानी स्वयं को सुरक्षित महसूस करना, ये भी जरूरी है, ये भी हमारी भावनात्मक आवश्यकता है। आनंदित होने पर हमें वह आनंद किसी को बताने की इच्छा होती है। बच्चों, जरूरत इस बात की है कि मनुष्य को खुश रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी दुख की स्थिति आती है तो दुख में लगता है कि कोई हमारे साथ हो, ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कोई थोड़ी मदद जरूर करे। और बच्चों, इससे क्या होता है, इसके द्वारा ही हमारी सामाजिकता प्रकट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुख दुख में साथ देना जरूरी है। जब आदमी सुखी हो, तमाम लोग सुखी हों, समाज के अधिकांश लोग सुखी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुखी हो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में समाज में या पास पड़ोस में अगर किसी के साथ कोई परेशानी या समस्या हो, तो हम किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, तो वहाँ उसकी मदद करना जरूरी है। तो चलिए, यही क्या है, सामाजिकता है, ये जरूरी है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जब हम बात करते हैं भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य विषयक सेवा सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन जरूरी है, इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विषयक सेवा सुविधाएँ हैं, उनके कारण ही हम सम्मानपूर्वक जीते हैं। तो हमें निश्चित रूप से इनका ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों से हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। जैसे बच्चों, हम पढ़ाई है तो पुस्तकों हमें ज़रूरत पड़ती है। किसकी? पुस्तकों की ज़रूरत पड़ती है, या पुस्तकों के अलावा
चाहे हम नोटबुक की बात करें लिखने के लिए, या इसके अलावा पेंसिल की बात करें, इसके अलावा कलम की बात करें, रबर की बात करें, लेकिन पुस्तकों की बात करते हैं बच्चों, तो पुस्तकों के लिए कागज़ की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चों अगर बड़े पैमाने पर कागज़ की बात करें तो इसका उत्पादन, यस बच्चों, कागज़ का उत्पादन देखिए जो कंपनियों में यानी फैक्ट्रियों में होता है, तो आप देखिए उसमें कागज़ का जो उत्पादन होता है उससे संबंधित कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उससे संबंधित और भी, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उद्योगों की बात करें, जिसके कारण जो है, जो मानव की सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं विकास के क्रम में, विकास के संदर्भ में, यहाँ से अर्थात विभिन्न प्रकार के उद्योगों से वो जो वस्तुओं की आपूर्ति हो पाती है, इससे मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में तमाम वस्तुओं का उपयोग कर पाता है। तो चलिए हम उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, समाज की सुरक्षा, सराहना, प्रशंसा आदि घटकों के लिए हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो इसलिए हमारा सामाजिक जीवन परस्परावलंबी होता है, अर्थात एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर होता है, एक दूसरे की मदद करना, मिलजुल करके आगे बढ़ना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब हाथ बटाने की बात होती है, ये हाथ लगाने की बात होती है, अर्थात मदद की बात होती है, तो निश्चित रूप से ये हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में किसी भी व्यक्ति को अगर मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से ऐसे में हाथ बढ़ाना चाहिए और मदद करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो कब किसकी समाज में ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए समाज के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चलिए ये हम देख रहे हैं, हमारा विकास यानी आवर डेवलपमेंट, मनुष्य यानी प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः कुछ गुण और क्षमताएं होती हैं, वे सुप्त अवस्था में होती है, समाज के कारण ही मनुष्य के सुप्त गुणों का विकास होता है। तो समझ सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्षमताएं होती हैं और वे क्षमताएं सुप्त होती हैं, समय के साथ उस समय से जो सुप्त गुण हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं, यानी उनका विकास होता रहता है और धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो प्रगति करता रहता है। किसी भी, चाहे अगर हम भाषा की बात करें, अगर भाषा सीखने की बात करें, तो भाषा सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है, माँ से होती है। तो सबसे पहले वह भाषा सीखते हैं जो हमारे परिवार में बोली जाती है। यदि हमारे पड़ोसी भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उस भाषा से भी हमारा धीरे धीरे परिचय हो जाता है। विद्यालय में भी विभिन्न भाषाएँ सीखने का अवसर मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि स्कूलों में भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, मातृभाषा से, अर्थात जो हमारी माँ की भाषा है, वहाँ से शुरुआत होती है सीखने की। हमारे पास स्वतंत्र विचार करने की क्षमता होती है, जैसे विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को एक ही विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, परंतु कोई भी दो निबंध एक जैसे क्यों नहीं होते, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना है कि सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो स्वतंत्र विचार करने की क्षमता होती है, हम इसे समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें समाज के फलस्वरूप मनुष्य के कलात्मक गुणों का भी विकास होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे गायक की बात करें, चित्रकार की बात करें, वैज्ञानिक साहसी वीर की बात करें, या सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के गुणों का विकास समाज के प्रोत्साहन व समर्थन से ही संभव हो पाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मैंने कहा कि वो क्षमताएँ जो कि सुसुप्तावस्था में होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकसन करने के लिए जो प्रयास करना है, निश्चित रूप से उसके लिए प्रोत्साहन और समर्थन की जरूरत होती है, और वह उसके मिलने के बाद ही निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति विकास की ओर आगे बढ़ता
चला जाता है। तो समाज किसे कहते हैं, वाइज व्हाट इज मीन्ट बाय सोसाइटी। समाज में स्त्री पुरुष, वयस्क वृद्ध, छोटे लड़के लड़कियां, सभी का समावेश होता है। हमारे परिवार हमारे समाज के घटक होते हैं। समाज में विभिन्न गुट, संस्थाएं, संगठन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाज किस तरह से व्यक्तियों से समाज बनता है। तो समाज में स्त्री पुरुष, वयस्क वृद्ध, छोटे लड़के, छोटे बड़े, सभी लोग जो है, सभी लोगों का समावेश होता है। तो हम सभी समाज हैं, इस रूप में सोच सकते हैं। इस तरह से भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें समाज में स्थायी शासन व्यवस्था निर्माण करनी पड़ती है। इस तो हम समझ सकते हैं कि भोजन और वस्त्र तथा आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही समाज में स्थायी शासन व्यवस्था निर्माण करनी पड़ती है। तो बच्चों, समाज का अस्तित्व यानी बने रहने के लिए व्यक्ति का होना यानी व्यवस्था का होना जरूरी है। अगर व्यवस्था, जैसे अनाज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए खेती करना आवश्यक है, उसी तरह से समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है व्यवस्था का होना। तो व्यवस्था जरूरी है जिसके कारण समाज का अस्तित्व बना रहेगा और समाज का विकास भी होता रहेगा, इसलिए व्यवस्था जरूरी है। खेती के औजार की बात करें, खेती के औजार बनाने के कारखाने, किसानों को ऋण देने के लिए बैंक, उत्पादित माल बेचने के लिए उपज मंडी जैसी व्यापक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। बच्चों, जब हम समाज की बात करते हैं, गुणों के विकसन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे वो ग्रामीण परिसर हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ये अगर खेती की बात करते हैं तो उनके औजारों की बात करते हैं, किसानों के ऋण की बात करते हैं, उनको देने के लिए बैंक की बात करते हैं, और उत्पादन जो हुआ है खेती में उस माल को बेचने के लिए मंडी की बात करते हैं। तो इसकी व्यापक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से जो विकास की हम बात करते हैं उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सामाजिक जीवन जो है आगे बढ़ता है। तो चलिए बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से हमारा सामाजिक जीवन आगे बढ़ता है, हमने इसका अध्ययन किया। आइए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है। चलिए, विकल्प आपके पास नहीं है। समाज में दैनिक व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को इस रिक्त स्थान की आवश्यकता अनुभव हुई। तो चलिए बच्चों, आपको याद होगा हमने इसकी चर्चा की थी। यस, तो नियमों की आवश्यकता पड़ती है। समाज में दैनिक व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता की आवश्यकता अनुभव हुई। एक और देख लेते हैं। मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास टेस्ट में ही होता है। तो बच्चों, आपको याद होगा मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास समाज में ही होता है। तो बच्चों, हमने आज देखा हमारा सामाजिक जीवन। बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।